अभी हीटिंग रूम क्लोज करना ही पड़ेगा मेरे को, और कोई चारा है नहीं। हम कोई नहीं कर रहा सर, मैसेज ग्रुप में। करेंगे ना, और 4 बच्चे कम है। तो वो कौन से 4 बच्चे हैं वो मुझे याद नहीं है। चल कोई बात नहीं, देखते हैं। एम्पियर्स सर्किटल लॉ के बारे में बात कर रहे थे। अब हमने पढ़ा था भाई, हमने 2 तरह के लॉ पढ़े थे। कौन से लॉ? एक तो हमने पढ़ा था बायो सर्वर इलेक्ट्रिक फील्ड में, बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने एक पढ़ा था सीधा साधा कूलम्स लॉ, राइट। उसके बाद एक और लॉ पढ़ा था, उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक और लॉ पढ़ा था, बहुत अच्छा सा लॉ था, काम बहुत आसान हो गया था जिससे। गॉस थ्योरम। गॉस लॉ, गॉस है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कूलम वाले से भी निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस वाले से भी निकालते थे। गॉस लॉ का फायदा था क्योंकि उसमें एक लूप देखना था, और उसके अंदर सिर्फ क्या देखते थे, उस लूप का, लूप के अंदर कितना चार चार्ज है, और लगाते थे फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। काम आसान हो जाता था ना, कोई बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन वो वाला नहीं है, एक पार्टिकल एक एलिमेंट काटो उसका फिर इंटीग्रेट करो, ऐसा नहीं करना था ना। अप्रोच लगानी नो थी सर कि एक यस वेरिएबल, वही सब बहुत चीजें थी। तो हाँ, ऐसा ही जैसा कूलम लो था वहां पर, यहाँ पर है बायो सावर्ट लो। जैसे वहां पर क्या था कूलम लो, यहाँ पर क्या था बायो बायो सर्वर्स सावर्ट लो लो। बायो अब काम उसका भी, इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम लो से भी निकलता था, गॉस लो से भी निकलता था, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बायो सावर्ट लो से भी निकलेगा और अम्पियर सर्किटल लॉ से भी निकलेगा। फर्क क्या है? अम्पियर सर्किटल लॉ कैसा कैसा है? जैसे वहां पर कौन था? गॉस लॉ गॉस लॉ। गॉस लॉ जैसे वहां पर था गॉस लॉ, समझ रहे हो? जैसे वहां पर था गॉस लॉ। अरे बच्चा एंटर नहीं हो पा रहा है, 1 सेकंड रुको, अभी किसी बच्चे ने ज्वाइन आ गया, चल ठीक है। जैसे वहां पर था गॉस लॉ, यहाँ पर क्या है अम्पियर सर्किटल लॉ। एमपीएस फर्क क्या है थोड़ा सा देखते हैं आप। वहां पर हम क्या करते थे, एक भाई जैसे मान लो किसी वायर की वजह से ही देखना है, याद है ये वायर लेते थे हम, इसकी वजह से अगर हमको देखना होता था गॉस लॉ, तो हम इसके अराउंड क्या ड्रॉ करते थे, एक गॉसियन सरफेस सरफेस गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, और फिर उसके अराउंड क्या देखते थे, चार्ज एनक्लोज्ड देखते थे, याद है ना, चार्ज एनक्लोज देखते थे, और उसे उस चार्ज यस सर एनक्लोज को हम क्या लगाते थे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एम और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डीएस था ये कौन सा लेते थे, गॉसियन गॉसियन सरफेस का। ये गॉसियन चार्ज सरफेस कैसा होता था, चार्ज एनक्लोज्ड एनक्लोज होता था, यही था ना? हाँ सर यस बिल्कुल, यस डिटो यहाँ पर करेंगे। वहां पर भी एक तरीका होता था भाई, ई डॉट डी एस लगा रहे हैं तो हम लूप कुछ ऐसा चूज करते थे कि ई क्या आ जाए, इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट बाहर आ जाए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए, मतलब ई कैसा रहता था हमारा, कांस्टेंट कांस्टेंट रहता था। हम कांस्टेंट ऐसा चूज करते थे ना गॉसियन सरफेस कि ई जो है वो हर पॉइंट पे क्या रहे, सेम कांस्टेंट रहे रहे, ताकि कांस्टेंट हम बाहर निकाल लें इसको। सेम टू सेम अप्रोच इसमें लगेगी, बस यहाँ पर ये एरिया के, एरिया एलिमेंट होता है, एक छोटा सा एरिया की बात करते थे ना, डी एस डी ए, ई डॉट डी ए, याद है एरिया वेक्टर। यहाँ पर क्या यस होता है, लेंथ यस एलिमेंट, क्या बोलते हैं, लेंथ बोल दो, छोटा सा एलिमेंट बोलते थे, लीनियर। वहां पर क्या था, एरियल, यहाँ पर क्या है, लीनियर। लीनियर तो लीनियर वहां पर अब मैं सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, कर्व, कर्व क्योंकि यहाँ पर लीनियर बात है, कर्व लीनियर। और वहां पर क्या बात थी, सरफेस वाली बात थी, वहां पर एरिया की बात थी। अगर सरफेस था तो एरिया की बात है, कर्व है तो किसकी बात होगी, लीनियर मतलब लेंथ की बात होगी, लाइन ठीक है।
दूसरी बात, यहाँ पर ऐसा चूज करता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कॉन्स्टेंट पर्टिकुलर सरफेस पे। यहाँ पर क्या कॉन्स्टेंट रहे? मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट रहे। ये भी क्लोज्ड सरफेस पे होता था, ये क्या होगा, क्लोज्ड कर पूरे कर्व पे मानेंगे हम इसको। बट ये देखो यहाँ पर ds है, यहाँ पर क्या है dl, समझ रहे हो? वहां पर एरिया की बात थी, यहाँ पर लेंथ की बात है। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा yes, है ना? yes, yes, यहाँ पर देखते थे चार्ज एनक्लोज्ड, यहाँ पर क्या देखेंगे सोचो। वहां चार्ज की बात होती थी, यहाँ पर किस चीज की बात होती है? करंट की। तो यहाँ क्या देखेंगे? करंट एनक्लोज्ड। ये फॉर्मूला बन जाएगा B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, समझ रहे हो? ये आई कैसा होता था? आई एनक्लोज्ड। जैसे यहाँ पर क्यू एनक्लोज है, यहाँ आई एनक्लोज है। B यहाँ पर भी क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट, ताकि हम इसको इंटीग्रेशन से क्या ले ले, बाहर ले ले। अगर भाई b कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूं क्या? नो सर। अगर b इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आया तो b के अंदर तो सब कुछ आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही मेरे को निकालनी है। अगर वही कांस्टेंट नहीं होगी तो मेरे को एम्पियर सर्किट लगाने का फायदा ही क्या हो गया? फिर मैं वो कहीं से कहां से कर लेता? बायोट सर्वेट लॉ से ही ना निकाल लूंगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर तो इतना लंबा मेथड मैं पहले ही यूज कर रहा था, अभी भी कर लूंगा। एम्पियर सर्किट लो कब लगा? तो जब सिमिट्री दिख रही है, जब मेरा काम क्या हो रहा है, आसान हो रहा है, तब क्या लगा रहा हूं? एम्पियर सर्किट लो। समझ में आ रहा है? पहली बार। अब कंडीशन क्या है एम्पियर सर्किट लो लगाने की? जैसे वहां पर अभी मैंने बताई थी ना कंडीशन, कि हर एक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, सिमिट्रिकल सरफेस बनना चाहिए, याद है ना? वैसा ही यहां पर भी होगा। बट अभी तुमको रिलेट कर पा रहे हो, जैसे वहां पर बायोट सर्वेट लो था, यहाँ वहां पर सॉरी कूलम्स लो था, यहाँ पर कौन सा लो है? यहाँ बायोट सर्वेट। जैसे वहां पर गॉस लो था, यहाँ पर कौन है? एम्पियर सर्किट लो। इसको बोलते थे गॉसियन सरफेस, इसको क्या बोल देंगे? एम्पियर सरफेस। सरफेस नहीं बोल देंगे, क्या बोलेंगे? अब लेंथ है ना, तो लूप बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लूप बोल देंगे। लूप सबको? यस सर। वहां पर गॉसियन सरफेस था, यहाँ पर एम्पिरियन क्या है? लूप है। लूप है। चलो लूप। आओ अब यहाँ पर बात करते हैं। देखो क्या बता रहा है एम्पियर सर्किट। जैसे वो कहता था E डॉट dA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता था? Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या है? ये होता था एरिया, तो इसको बोलता था सरफेस इंटीग्रल। क्या बोलता था? सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल। लेकिन ये b डॉट dl है, ये क्या है? क्योंकि ये लेंथ है, तो इसको क्या बोल दूंगा? लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल फॉर अ क्लोज्ड कर्व बोला। देखो सरफेस बोला है क्या? नहीं, लेंथ की बात हो रही है ना, तो कर्व बोला। वो किसके इक्वल है? जैसे वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था, ये म्यू नॉट I के इक्वल है, वेर I इज द करंट एनक्लोज्ड। क्लियर है? उस सरफेस के अंदर कितना करंट एनक्लोज्ड है। चले आगे। यस सर। तो yes, लोग क्या कहते हैं, अगर yes, कोई क्लोज्ड सरफेस, अभी बताऊंगा क्लोज सरफेस कैसे है। ये दिख रहा है? अब ध्यान से देख, ध्यान से देख। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे ही। ये एक वायर है, इसके अंदर करंट कैसे जा रहा है? बाहर। देखो ध्यान से, ऊपर की डायरेक्शन जा रहा है ना। अब अगर इस ये ऐसे पड़ी है, इसका मतलब है राइट? यस सर। अगर मेरे को इसको जेड एक्सिस में दिखाना हो तो ऐसे दिखाऊंगा ना, हमेशा की तरह ऐसे दिखाऊंगा ना। तो अब करंट कैसे जा रहा होगा? ऐसे बाहर की तरफ। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? बाहर की तरफ को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? बताया हुआ मैंने, जोर से बोलो। डॉट डॉट वाइज। तो देखो ये जो आई के आगे डॉट लगा हुआ, अब इसका मतलब क्या है? ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? यस यस सर। इसका मतलब क्या है? मेरी वायर ऐसे पड़ी है, करंट बाहर की तरफ। क्लियर है सबको?
यस सर तो यहाँ पर करंट बाहर की तरफ आ रहा है। अब ध्यान से देखना इसकी कंडीशंस अभी पता लगेगी तुम्हें। तो करंट बाहर आ रहा है तो थंब रखो बाहर की तरफ, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा ऐसे नहीं बन रही, ध्यान से देखो बाहर की तरफ सर्कुलर फॉर्म में देखो, ध्यान से भाई करंट रखो बाहर की तरफ अपना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, करंट को रखो बाहर की तरफ, थंब को बाहर की तरफ देखो, फिंगर्स कैसे घूम रही है बताना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ना। अब ध्यान से देखो अगर कोई पॉइंट पी यहाँ हो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही नहीं होगी जैसे दिखा रखा है, ऐसे टेंजेंशियल, यहाँ पर देखो पी पॉइंट पे जब उंगलियां फेरो अपनी करंट को क्या बोलते हैं थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो और उंगलियां फेरो, क्या मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में नहीं आ रही ऐसे, यस सर। इस पॉइंट पर कैसी होगी, ऐसी होगी सर, इस पॉइंट पर कैसी होगी बताना, ये जो पॉइंट अभी लगाया मैंने बताओ करो, थोड़ा नीचे कहां पर थोड़ा नीचे। बोलो 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 शर्माओ मत और कुछ ना कुछ तो बोलो, समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा सा नीचे जैसे कुछ नीचे को होगी, हाँ थोड़ा नीचे होगी। अच्छा इस पॉइंट पर सोचो सोचो नीचे को जाएंगी, कहाँ पर नीचे को जाएंगी, देखो ध्यान से अपनी फिंगर्स को घुमाओ ना, ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है पूरा, तो इस पॉइंट पे कैसे होगा, यहाँ से ऊपर को जाएगी, ऊपर से मतलब ऐसे नहीं जाएगी क्या, टेंजेंशियल, हाँ तो हर पॉइंट पे कैसी है सर, हाँ बोल बोल रहे हो सही बोल रहे हो, बोलो जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस लाओ थोड़ा, हर पॉइंट पे सर्कल की कैसी है, टेंजेंशियल है बच्चे टेंजेंशियल है। तो देखो अगर ये वायर थी मेरी, अगर ये लूप बना, ये लूप लिया मैंने, ये वायर थी बच्चे स्ट्रेट वायर थी ऐसे पड़ी है, अब समझ रहे हो, ये डॉट जो मैंने बनाई है इसका मतलब मेरी वायर कैसे पड़ी है, जोर से बोलो एक तो मैं, मेरी आवाज आ रही है ना सबको, कौन सी एक्सिस में पड़ी है ये जो वायर मैंने डॉट से, ये कौन सी एक्सिस में पड़ी है, ये वाली वायर डॉट का मतलब क्या होता है, ये तो आउटवर्ड जेड, वेरी गुड, जेड एक्सिस में पड़ी है। अब जेड एक्सिस में कोई वायर पड़ी है समझ लो, अभी तक तो मैं बायोट सर्वेट लॉ से इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालता आ रहा था ना, अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो आंसर आता था म्यू नॉट आई अपॉन में टू, बोलो इनफाइनाइट वायर है साइन 90 वन प्लस वन टू, टू से फोर कैंसिल होके टू, क्या आता था म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई ए, तो वैसे ये इनफाइनाइट वायर है, लेकिन अब अगर मैं इसको एम्पियर सर्किट लॉ से करना चाहूं तो इसके अराउंड क्या बनाऊंगा, एक लूप बनाऊंगा जिसको बोल दिया एम्पियरियन लूप, क्या बोल दिया एम्पियरियन लूप, तो यही वायर है इसके अराउंड एक क्या बना दूं एम्पियरियन लूप बना दूं, तो बना दिया मैंने, दिख रहा यस सर, सिमिट्री के हिसाब से देखो मैंने कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या रहेगी कॉन्सेंट रहेगी, तो देखो अभी अभी चेक किया है हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, क्या वर्ड था वो Tangentially. और ये जो लूप बनाया है इसका मैं जैसे ये फॉर्मूला लगाऊंगा बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये डीएल क्या है जो एलिमेंट मैं काटूंगा इस लूप का ये एलिमेंट काटूंगा तो मैं किसी भी डायरेक्शन में चल सकता हूँ। अब ये इसकी डीएल की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, राइट होगी लेफ्ट होगी वो तुम्हारे ऊपर है बच्चे, अगर तुम इस लूप, ये लूप है ना मैं सिर्फ लूप बना रहा हूँ, अगर तुम इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो डीएल की डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या होगी, ऐसे हर पॉइंट पे, दिख रहा है भाई सिंपल सी बात है, डीएल क्या है जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो, अब वो तुम्हारे ऊपर है तुम एंटी क्लॉकवाइज चलो या क्लॉकवाइज चलो, मैंने सिर्फ एक बार लूप बना रहा हूं मैं, देखना ठीक है, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो कुछ ऐसे चलूंगा क्या, Yes, किसी भी पॉइंट पर डीएल काटूंगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर ही, इस पॉइंट पे डीएल की डायरेक्शन इधर होगी, इस पॉइंट पे डीएल की डायरेक्शन इधर होगी, छोटा सा एलिमेंट जो काटूंगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, छोटा सा एलिमेंट लेंथ की इधर होगी, क्लियर है,
अगर मैं क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज चला तो इस पॉइंट पे बताना डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, बताओ। ऊपर वाली साइड, ऊपर ऊपर वाली साइड मतलब कैसे? डीएल लेंथ एलिमेंट राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ कहाँ सर? हमारे राइट की तरफ। राइट यहाँ पर कैसी होगी? नीचे की तरफ। यहाँ पर कैसी? नीचे की तरफ थोड़ा सर, सीधी सी टेंजेंशियल लेफ्ट को। यहाँ पर ऊपर 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 को। ये भी तो क्या ही है, टेंजेंशियल नहीं है? यस सर। देखा था वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे आ रही थी? इस हर लूप पर क्या आ रही थी? हर लूप के हर एक पॉइंट पर कैसे आ रही थी? टेंजेंशियल। वैसे ही क्या आ रहा है? डीएल। इसका मतलब डीएल और बी आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे कह रहे हो? डायरेक्शन की बात करो ना, डायरेक्शन सेम। अगर मैं पूछू इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, क्या बोलोगे? 90। जब जो डायरेक्शन बी आ रही है वही डायरेक्शन किसकी आ रही है? डीएल। तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? जीरो डिग्री। जीरो डिग्री मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल। पैरेलल है। तो पहली कंडीशन यही है, बी शुड बी पैरेलल टू डीएल। समझ रहे हो? करके देखना। डीएल के पैरेलल हो तो इसको इसको खोलो एक बारी। बी डॉट डीएल को क्या लिख सकते हो? बी डीएल कॉस थीटा। वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब कॉस जीरो कितना होता है? क्या लिख दोगे? सिंपल, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब थीटा का झंझट खत्म, पहली बात। यस सर। अच्छा, दूसरी बात, परपेंडिकुलर भी हो सकती है। अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। तो या तो नॉर्मल हो या कैसी हो? जीरो। ऐसी जगह पर मैं कौन सा यूज करूंगा? लो एम्पियर सर्किटल सर्किटल लो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलो यहाँ तक तो ठीक है, अभी आगे भी दोबारा भी पढ़वा दूंगा इसको, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। तो देखो, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी टेंजेंशियल टू द लेंथ एंड कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि तभी तो मैं इंटीग्रेशन से क्या ले सकूंगा उसको? बाहर की तरफ, है ना? तो इसीलिए बी डॉट डीएल अपोज जीरो हो गया, तो ये सिंपल बी इंटू एल लिख दो, इसको क्रॉस मत समझ लेना। अब नॉर्मल होगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। ठीक है, बी डी एल कोस नहीं। अब ये मैंने लिखवाया, देखो ध्यान से, कंडीशन क्या है? द बी इज आइदर टेंजेंशियल और क्या होनी चाहिए? नॉर्मल टू द पाथ। नॉर्मल टू द पाथ, पाथ मतलब जो तुम चल रहे हो, ये क्लियर है? यस सर। द मैग्नीट्यूड ऑफ बी मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स, क्योंकि तभी तो बी को क्या ले लूंगा? इंटीग्रेशन के बाद। Thus, identifying the symmetry and identifying the components of B present plays an important role. ध्यान से देखना पड़ेगा बस यही चीज की, या तो B constant रहे मेरी ताकि मैं integration से बाहर ले लूं, और B और DL या तो parallel हो या क्या हो? Normal. बोलो बोलो सारे बोलो, या क्या हो? Perpendicular. अब ये कैसे लोग derive किया है इसको भी देख लेंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मेरी बात बताओ मुझे एक। अब अभी जो बी डॉट डी एल है उसको थोड़ा समझते भी तो है ना। म्यू नोट आई था, आई क्या है? करंट एनक्लोज्ड। अच्छा, अब सर एक बात बताओ, ये लूप है? yes. ये वही एम्पीरियन लूप है। मान लो करंट इसमें दो तरीके से जा रहा है, एक करंट है ये क्रॉस वाला और एक करंट है डॉट वाला। Point. ये भी क्रॉस, ये भी डॉट, ये भी डॉट, ये भी डॉट, ये भी क्रॉस, डॉट डॉट क्रॉस क्रॉस, दिख रहा है क्या सबको? यस सर। इसकी वैल्यू मान लो आई वन, इसकी आई टू, इसकी आई थ्री, इसकी आई फोर, आई फाइव, आई सिक्स, आई सेवन, आई एट, आई नाइन, आई टेन, आई इलेवन और आई ट्वेल्व। बी डॉट डी एल की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो म्यू नोट आई की जगह क्या लिखना पड़ेगा? इन सबका किस किस एडिशन, किन किन का, किन किन का? अच्छा पहले तो ये दिमाग बताओ मेरे को, डॉट का मतलब करंट कैसा आ रहा है? आउटसाइड, जेड एक्सिस में बाहर की तरफ, बाहर की तरफ यानी मेरी स्क्रीन से बाहर।
और क्रॉस का मतलब करंट कैसा आ रहा है, जेड एक्सिस नहीं लेकिन जेड एक्सिस नहीं लेकिन अंदर थोड़ा अंदर की तरफ स्क्रीन के अंदर, और स्क्रीन से बाहर का मतलब दो, स्क्रीन के अंदर मतलब बोलो स्क्रीन के अंदर मतलब क्रॉस और स्क्रीन से बाहर मतलब डॉट। क्लियर है? यस सर। अब तुमको बताना है अंदर कौन कौन से करंट लूं, किन का सम लूं, क्या करूं, डिफरेंस करूं, बताओ। तो मैंने बता दिया आई क्या होता है, करंट एनक्लोज्ड। अब बताओ कौन कौन से करंट आएंगे, पहली बात तो ये बताओ। आने कौन कौन से चाहिए, पहले तो सिर्फ नाम बता दो जो करंट आएंगे। क्या कह रहे हो? पहले तो सिर्फ नाम बता दो कौन कौन से करंट आएंगे। I1 से I6 तक आएंगे, सिर्फ I7, I8, I10 ये सब नहीं आएंगे क्या? ये वाले नहीं आएंगे सर, ये बाहर है सर, ये इनक्लोज्ड बोल रहे हैं ना तो। हाँ, सरफेस के मतलब, हाँ अब मैं सरफेस गलत बोल, कर्व के इनक्लोज्ड बोल, समझ रहे हो? Yes, लूप के एनक्लोज्ड, एम्पीरियल लूप के अंदर आने चाहिए, ठीक है? तो ये तो समझ में आ गया। अब I1, I2, I3, I4, I5, I6 आएंगे, आपने सही बोला सर, बट इन सब की डायरेक्शन क्या है करंट की? अपोजिट है। चार्ज में तो ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं था ना, चार्ज में होता था तो ऐसा होता था ना, मेरे को दिख जाता था एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, टोटल चार्ज कितना हो गया? जीरो। एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू तो जीरो, तो मैं चार्ज एनक्लोज को लिख देता था जीरो। अच्छा, चार प्लस क्यू थे तीन माइनस क्यू थे तो टोटल चार्ज कितना लिखता? क्यू। सिर्फ क्यू लिख देता चार में से तीन माइनस। अब करंट में भी ऐसा है, लेकिन इसमें मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिख रहा, मेरे को डायरेक्शन दिख रही है, एक में करंट बाहर की तरफ आ रहा है एक में करंट अंदर की तरफ आ रहा है। अब किसको, अब ये तो पक्की बात है जो बाहर की तरफ आ रहे हैं और जो अंदर की तरफ आ रहे हैं उन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा मेरे को? सब्ट्रैक्ट। बट अंदर वाले को बाहर से सब्ट्रैक्ट करूं या बाहर वाले को अंदर से सब्ट्रैक्ट करूं? वहां पे तो मेरे को दिखता था पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर मेरे को ये नहीं पता अंदर वाले को बाहर से सब्ट्रैक्ट करूं या बाहर वाले को अंदर से सब्ट्रैक्ट करूं। सबको ये तो समझ में आ रहा है ना, सब्ट्रैक्ट होंगे? यस सर। यस को सब्ट्रैक्ट करें, ये कैसे सोचेंगे? अंदर से बाहर को, जो अंदर वाला करंट होंगे उससे बाहर वाले करंट को माइनस कर दें। क्यों इतनी, इतना उसके साथ पार्शियलिटी क्यों सर? क्योंकि वो चार्ज अंदर होगा और बाहर वाले को हम सिखाते नहीं। जो डॉट उससे कमीशन खाई है तुमने, हैं जो उसको खा, उसको थोड़ा नेगेटिव ले रहे हो सर? आपने डॉट करंट को नेगेटिव मतलब बाहर वाले करंट के बोला। हां, डॉट का मतलब बाहर, डॉट का मतलब फिजिक्स में कहीं भी आ जाए इसका मतलब बाहर, स्क्रीन से बाहर आता है। सर नॉर्मल का जीरो बनता है, नॉर्मल का जीरो बनता है मतलब। अच्छा, वो तो अलग अलग तरीके हैं रिप्रेजेंट किया वो बस, बट ये बताओ मेरे को कौन से को माइनस करोगे? चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए किसी को भी कर सकते हो, किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारे पे। कैसे? देखो मैंने बताया जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो ये उस बात पे डिपेंड करती है। तुम अभी इस लूप को कैसे कवर कर सकते हो, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। जब अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो, ध्यान सुनो, ये ऊपर वाला जैसे लूप दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर मैं कैसे चल रहा हूँ, एरो देखो, एंटी क्लॉक। तो अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, टक। थंब कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। अगर तुम लूप में ऐसे चले हो तो हमारा बाहर की तरफ, मतलब बाहर वाले को पॉजिटिव ले लो, अंदर वाले को नेगेटिव। अगर लूप में चले हो क्लॉकवाइज तो हम कहाँ आ रहा है, अंदर। तो अंदर वाले को क्या लोगे? पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात कैसे करना है? यस सर। अब मैं बता दूं, दोबारा बता दो। हाँ बता रहा हूँ, देखो अगर करंट ये है I1, I2, I1 आ रहा है बाहर की तरफ, I2 आ रहा है अंदर की तरफ। अब मेरे पास रीजन है म्यू नोट I1 माइनस I2 सही है या म्यू नोट I2 माइनस I1 सही है। अब ये दिक्कत है, अब वो डिपेंड करता है मैं चल कैसे रहा हूँ, मैं अभी कैसे चल रहा हूँ, एंटी।
एंटी ग्लोबाइज, तो तुम एंटी ग्लोबाइज कर दो अपने आप को, तो देखो थम कहाँ आ रहा है, थम कहाँ आ रहा है, हमारी तरफ, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ अगर थम आ रहा है तो बाहर की तरफ वाले करंट पॉजिटिव ले लो, तो बाहर करंट आई वन है या आई टू है, तो कौन सी एक्सप्रेशन सही होगी, ऊपर वाली या नीचे वाली, नीचे वाली, ऊपर वाली, बच्चे ऊपर वाली, ओ सर वही सर ऊपर, बाहर बाहर है ना, बाहर वाले को पॉजिटिव लिया, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज चलूं तब कौन सी डायरेक्शन सही होगी, कौन सा फॉर्मूला सही होगा, नीचे वाला, क्लियर है, तो जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो वहां का थंब देख लो, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो कैसा देखोगे, कौन सा पॉजिटिव लोगे, सर आई टू को लेते हैं, अंदर वाला, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो बाहर वाला, बाहर, अब बताओ इस लूप में जैसे तुम कहोगे वैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चले क्या, यस सर, अब बता दो मेरे को अंदर की इस आई वन आई टू आई थ्री में क्या लिखोगे, सबकी वैल्यू तुम्हें पता है, बताओ किसको सब ऐड करोगे किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सीधा आंसर लिखो, इसके बाद एक जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे तुम, हां बोलो, क्या लिखूं, यहां लिख देता हूं सम, बताओ क्या लिखूं पहले, आई थ्री प्लस कौन सा पॉजिटिव आएगा पहले ये बताओ, डॉट वाले पॉजिटिव आएंगे, डॉट वाले पॉजिटिव आएंगे, तो डॉट वाले पहले लिख दो, आई थ्री प्लस आई फोर I6 और माइनस क्या हो जाएगा, आई वन और आई थ्री, क्लियर है क्या सबको, आई थ्री बाहर की तरफ है क्या, वेरी गुड, तो आई थ्री पॉजिटिव लिख दिया गया था हमने, कोई बात, क्लियर है, यहाँ पर ये लिख सकते हो तुम आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव प्लस आई सिक्स माइनस आई वन माइनस, तो आई डोंट थिंक होगी अब इसमें दिक्कत होगी किसी को, चले आगे, यस सर, अब ये क्या है सर, ये वही है सर, अभी जो बायोट सावर्ट लॉ से हमने प्रूव करना है, वही देखो बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए करंट क्या होता है सर, B is equal to mu naught I upon में 2 pi R. 2 pi R. अच्छा अब एक बात बताओ, इसको मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूँ, ये मेरे पास वायर है, दिख रही है ये, yes, sir. करंट कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ, yes. क्लियर है, बाहर की तरफ, इसके अराउंड क्या बना दूं, अगर एम्पीरियन कर्व सिर्फ लूप बना दूं, इसके अंदर करंट जा कितना रहा है, आई फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, आई राइट, कैसे आ रहा है, आई कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, क्लियर है, ठीक है सर, तो इस लूप पर देखते हैं, इस लूप, ये एम्पीरियल लूप बनाया मैंने, क्योंकि एम्पीरियल लूप वैसा ही बनाऊंगा ना कि उस पूरे, आपने क्लॉकवाइज लिया, नहीं नहीं आई क्लॉकवाइज नहीं है इसमें, आई कैसा है, डॉट से रिप्रेजेंट है, इसका मतलब आई कैसा है, एंटी एंटी क्लॉकवाइज, डॉट वाइज है, आई डॉट है, दो डॉट है, तो मतलब क्या है, आई बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है, मतलब ऐसे, क्लियर है, बाहर की तरफ, तो अब वो वायर जो थी मैंने वो ऐसे रख दी बस, क्लियर, चले अब yes, क्या yes. कर रहा हूं मैं, अगर मेरे को अगर इसको एम्पियर सर्किट लो से क्लोज बनाना है तो इसके अराउंड क्या बना दूं, एक क्लोज लूप बना दूं, एक क्लियर है, ऐसे एक लूप बना दिया, राइट लूप बना दिया, यस सर, अब एक लूप बना दिया, अब इस लूप पर क्या करूंगा मैं, छोटा सा एलिमेंट लूंगा वही, और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आई आई, तो अब देखो इस पूरे लूप के अंदर जो करंट है वो टोटल करंट ही आ गया ना, सारा का सारा जो इस वायर में जाएगा, कितना yes. करंट है वो आई मान लो, तो बी डॉट डी एल किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट आई, अब बी क्या होगा हर पॉइंट पे, सेम होगा, तो इंटीग्रेशन से क्या लूंगा, कांस्टेंट बाहर लूंगा, और अच्छा अब ध्यान से देखो, ये हमने देखा था बी हर पॉइंट पे कैसा आएगा, थम बाहर रखो, क्या वर्ड था वो, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, और डीएल भी क्या था हर पॉइंट पे, टेंजेंशियल, यानी बी और डीएल के बीच में एंगल कितना बनेगा, जीरो, ये कितना आ जाएगा, बी डीएल, और बी बाहर सिर्फ क्या रह जाएगा, डीएल, ये आ रहा है म्यू नॉट आई के इक्वल,
और डीएल यहां पर काटा है छोटा सा एलिमेंट, इसको टोटल लूप में कंसीडर करूंगा तो एक सर्कुलर लूप बन रहा है, तो क्या आ जाएगा डीएल का इंटीग्रेशन अगर इसकी रेडियस r है, तो अगर इसकी 2 पाई r तो b into 2 pi r is equal to mu not i, और b की वैल्यू देखो क्या आ रहा है, mu not i upon 2 pi r upon 2 pi r. क्या ये वही नहीं आई जो हमने स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के लिए निकाला था, mu not i upon 2 pi a. यस सर, इनफाइनाइट के लिए है, क्लियर है? यस सेम आई है बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. लेकिन उसमें हमने क्या किया था सर, पहले साइन थीटा एक एलिमेंट लिया, यहाँ पर एक काटा पूरा phi 1 phi 2, फिर देखो ये अपोजिट सेंस में है या सेम सेंस में है, अपोजिट में है तो पॉजिटिव पॉजिटिव लो, नेगेटिव लेना पड़ेगा तो अगर सेम सेंस में है तो. यहाँ पे क्या लिया, एक वायर ली, उसके अराउंड एम्पीरियन लूप बनाया और डाल दिया अंदर. क्लियर है? यस सर. आंसर दोनों केस में क्या आया सर, वही. उसके लिए भी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या आता था, म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर. इसके लिए भी क्या आया, म्यू नोट आई अपॉन टू पाई. क्लियर? यस सर. बोलते हैं कौन सा लो आसान हो गया, एम्पियर सर्किट लॉ. तो ये अब इन्होंने बाय उल्टा प्रूफ क्या हुआ, अभी हमने ये लिया था और प्रूफ क्या किया था, ये चीज ना अभी निकाली है सर. अब उसको लेके ये चीज प्रूफ कर देंगे और कुछ भी नहीं. एक वायर ली, दिख रही होगी सबको, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, इसके अराउंड क्या बना दिया, एम्पीरियल लूप. अभी तुम्हें पता है भाई, अभी अभी तुम्हें पता करके आए हो, हर पॉइंट पर भी टेंजेंशियल है, लेंथ भी टेंजेंशियल है, इनके बीच में एंगल जीरो डिग्री, जीरो है तो बी डी एल आ जाएगा, बी डॉट डी एल है, बी डी एल यहाँ पे क्या हो जाएगा. अब ध्यान से देखो, बी डी एल इज इक्वल टू, अब हम पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड को यूज कर रहे हैं, वो होती क्या है, म्यू नॉट आई, ये अपने आप आएगा. देखो B की जगह क्या पुट करूं, अगर मैंने वो इनफाइनाइट वायर ले रखी थी तो क्या आई थी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I / 2 pi r, और साथ में क्या आएगा, dl वेक्टर, dl. ध्यान से देखना, B वैसे भी हमें पता है हर पॉइंट पे अगर कांस्टेंट है, तो मैं इसको आसानी से लिख देता हूं, तो B को सीधा ही क्या ले लूं, पहले बाहर ले लूं, अंदर क्या रह जाएगा, dl. B को B लिखा, dl को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, तुम्हें पता है, तो b into 2 pi r. क्या आया, b into 2 pi r, और b की वैल्यू क्या आती थी, तो देखो 2 pi r से 2 pi r कैंसिल, तो यानी b dot dl जो लिया था शुरू में वो किसके इक्वल आया, म्यू नॉट आई. यही कौन सा लॉ है, एम्पियर सर्किट लॉ. ये प्रूफ कर दिया तुमने बायोड सर्वर. देखो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू, ये बी की वैल्यू हमने अब यूज किया, ये कहां से आई थी हमारी, बायोड सर्वर लॉ से. तो तुमने बायोड सर्वर लॉ को यूज किया और क्या डिराइव कर दिया, एम्पियर सर्किट लॉ. तो हर तरीके से तुम डिराइव कर सकते हो. क्लियर है? हमने अभी इससे पहले जो मैंने किया था, मैंने एम्पियर सर्किट लॉ से इनफाइनाइट वायर का ड्रॉ वो किया था ना, याद है, अभी म्यूनोट आई अपॉन टू पाई आर निकाला. तो मुश्किल नहीं है, बस तुमको एक एलिमेंट काटना आना चाहिए. क्लियर है? जिसको डाउट है यहाँ पर वो मेरे से पूछ लो. यहाँ पर जो डेरिवेशन दी हुई है, वहां पर तुमने बी खुद से यूज किया है पहले ही, बी की वैल्यू क्या थी, म्यूनोट आई अपॉन टू पाई आर, इसको समझो ये क्या है, गिवन है पहले से ही, इसकी वैल्यू पुट करिए और तुमने क्या निकाला है, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल की वैल्यू तुमने निकाली है और वो किसके इक्वल आई है लास्ट में जाके, इससे तुम्हारा कौन सा लो प्रूफ हो गया, एम्पियर सर्किट. क्लियर है सबको? उसके बाद क्वेश्चन करेंगे. तो अभी मेरे को ये बात आ दो, ये समझ में आ गया कि करंट कौन सा होना चाहिए, करंट पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, सब कुछ क्लियर है? यस सर. अब आ जाओ इस वाले गेम पे, दिख रहा है, करना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है? वो लग रहा है ना, वो जिसमें वो पहले ज्योमेट्री बॉक्स में हुआ करता था, वो छोटा सा मोती डालते थे उसमें, एक क्या था इसमें बॉल. हाँ, कुछ नहीं करना तुमने, ध्यान से देखो वो क्या कह रहा है, आठ वायर हैं, आठ वायर, ये एक से लेकर आठ तक,
सारी की सारी परपेंडिकुलर हैं पेज के, मतलब या तो करंट बाहर की तरफ होगा या करंट अंदर की तरफ होगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, बोर्ड के प्लेन के मतलब जेड एक्सिस पे है, तो जेड एक्सिस में होगा तो या तो करंट बाहर आ रहा होगा या करंट कहाँ जा रहा होगा, अंदर जा रहा होगा। सिंपल सी बात है, वो बता भी रहा है किसमें बाहर आ रहा है किसमें, जिसमें भी वायर का नंबर है ओड, कैसा है ओड, करंट क्या आ रहा है उसमें आउट, मतलब बाहर की तरफ। ओड का मतलब कौन कौन से है, ओड वन है, थ्री है, सेवन है, फाइव है, ये सब। यहाँ पर करंट कैसा आ रहा होगा बाहर की तरफ, और जो बच गए 2, 4, 6, 8 ये कैसे आ रहे होंगे करंट इसमें, अंदर अंदर। क्लियर है, ये तुम्हें मेंशन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि बी डॉट डी एल की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, बी डॉट डी एल। तुमको पता है बी डॉट डी एल की म्यू नोट, म्यू नोट आई, आई लेकिन आई आई एनक्लोज्ड, तो तुमने कुछ नहीं करना, पॉजिटिव नेगेटिव तो तुम अपने आप देख लोगे। पहले तो ये देखो कि करंट एनक्लोज्ड कौन कौन से हैं, कौन कौन से करंट एनक्लोज्ड हैं और कैसे चलना है। उसने बोला जैसे मैंने बता रखा है वैसे चलना है, अलोंग द क्लोज्ड पाथ इंडिकेटेड, मतलब ये एरो जो दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं, ऐसा चलना। तुम पहले अपनी तरफ से चल लेते थे, चाहे एंटी क्लॉक वाइज चाहे क्लॉक वाइज, अपनी मर्जी से चलते थे ना, यस सर, और फिर देखते थे जो मेरे अकॉर्डिंग सही है उसकी वैल्यू पॉजिटिव। अब इन्होंने पहले से ही बता रखा है जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे चलना, ट्राई करें क्या? यस सर, चलो करो फिर ट्राई। तुमने सिर्फ एरो को पकड़ना है सबसे पहले, आंसर तो नहीं देखा ना किसी ने, नहीं सर। चलो एरो देखते हैं, सर यहाँ से एरो पकड़ ले, आराम से दिख रहा है, चले यहाँ से, ये एरो दिख रहा है ना, नीचे की तरफ जाना है, तो यहाँ से नीचे की तरफ चलो। यस सर, तो यहाँ पे देखो तीन तो आ ही रहे कर्व में, आ रहा है ना, हाँ 1, 2, 7, 6 भी आ रहा है सर, अभी 2 तक तो नहीं पहुंचे सर, आगे चलो 7 भी आ रहा है, 7 भी आ गया सर, 7 भी आ गया, और 6 भी आ गया, बाहर चलो अभी तो कुछ आया ही नहीं, और जैसे जैसे लूप चल रहा है और कुछ नहीं आ रहा, बस सर कुछ भी नहीं आ रहा। दिख रहा है, किसी ने आंसर तो नहीं दे दिया ना, नहीं सर, शातिर तो तुम बहुत हो मेरे को पता, नहीं सर नहीं दिखा, एक झटके में कर दिया आपने बैक। तो देखो इस पूरी कर्व में गया हूँ, जैसे जैसे एरो गया, कौन कौन से करंट एनक्लोज हो रहे हैं, 1, 3, 7, 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 7
जैसे जैसे एरो चल रहा है वैसे वैसे मैं चल रहा हूँ और देख लिया मैंने कि कौन कौन सा उसके पोर्शन में आ रहा है, तो पोर्शन में कौन कौन सा आ रहा है बताओ मुझे। 1, 3, 7, 6 आ रहा है सर, 3 भी आ रहा है सर, और 7 भी आ रहा है, और 6 भी आ रहा है, 6 आ रहा है, 1, 3, 7, 6 राइट, यही आ रहे हैं ना। और इसमें से भी हाँ बोलो, तो ओड वाले कैसे लेने हैं बाहर, और इवन वाले अंदर, अंदर, तो वन वाला ये कैसा होगा बाहर यानी डॉट, ये भी डॉट, ये भी डॉट, और ये क्रॉस, क्लियर है? यस सर। अब बात वो आती है कि इनमें से बाहर वाले में से अंदर माइनस करूं या अंदर वाले में से बाहर माइनस करूं, तो तुम देखोगे वो कैसे पता चलता था, जिस डायरेक्शन में तुम चलते थे यहाँ पर ये ऐसे चल रहा है देखो नीचे की तरफ, तो इधर थंब रखना नीचे की तरफ चल रहा है, मतलब ये कैसे चल रहा है देखो खुद देखो, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब कौन से करंट को पॉजिटिव लोगे बाहर वाले को, तो बाहर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बी डॉट डीएल क्या है म्यू नोट, अंदर क्या लिखूं कौन सा पॉजिटिव लूं बाहर वाला, तो बाहर कौन कौन I1 plus I3 plus I7 minus I6 क्लियर है क्या, बोलो हाँ या ना। यस सर, यस सर। अच्छा, और वायर लेबल्ड विद दिस, यस सर, दिस कैरीज द करंट NI, NI का मतलब समझ रहे हो, अगर N की वैल्यू 1 है तो करंट है I, N की वैल्यू 2 है तो करंट है
आई वन है तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा सिंपल आई, आई थ्री है तो करंट कितना हो जाएगा थ्री आई, सेवन आई, सिक्स है तो क्लियर है क्या? देखो यही आ गया क्या, क्लियर है? अब कर दो इसको सोल्व कर दो फटाफट। तो क्या आ रहा है म्यू नोट फाइव आई, दिख रहा है सबको? अभी सोल्व नहीं किया हमने, ये देखो यहाँ पर आ गया। यस क्लियर है। अब म्यू नोट की वैल्यू तो अपने आप कर ही दोगे ना, क्या पुट करते हो म्यू नोट को? 4 pi × 10⁻⁻¹ वो पुट कर देना, आई की वैल्यू उसने गिवन है कितनी 4 mA कर देंगे। यस कैलकुलेशन है छोटी सी, कर देंगे या मैं ये भी कराऊं? बताओ फटाफट कर लेंगे। चलो यहाँ पर देखो वही आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन में कुछ डाउट दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ क्वेश्चन इसीलिए डाला था मैंने ताकि हमें ये पता लग जाए कि एम्पियर सर्किट लो लगाते कैसे हैं। अब आई थिंक क्लियर हो जाएगा कि कौन सा करंट पॉजिटिव है, कौन सा करंट नेगेटिव है, मेरे को लूप में कैसे चलना है। अगर गिवन है तो मेरे को गिवन के अकॉर्डिंग चलना है, अगर नहीं गिवन तो मैं कैसे भी चल सकता हूँ, राइट? यस सर। एम्पियर सर्किट लो लगाना आ गया। यस सर। एम्पियर लॉ की ही कुछ एप्लीकेशन है, जैसे गॉस लॉ में एप्लीकेशन थी ना, एक वायर ली थी, सिलेंडर लिया था, स्फीयर लिया था, स्फीयर के बाहर भी चेक किया था, स्फीयर के सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया था, और स्फीयर के बोलो 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 स्फीयर के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, स्फीयर के सरफेस देखा था, और सरफेस के अंदर भी। ऐसे ही स्फीयर भी दो टाइप की लेते, एक होलो स्फीयर लिया था, एक जिसके अंदर भी चार्ज होता था, याद है ना? Yes, ऐसा ही यहाँ पर मैं ले लूंगा एक वायर, सिलेंड्रिकल वायर। अब उस सिलेंड्रिकल वायर को पहले क्या लिखूंगा, एक शेल की तरह बिहेव करेगा, मतलब करंट उसके सिर्फ कहाँ है, बाहर बाहर बाउंड्री बाउंड्री पे, उसके अंदर कोई करंट नहीं है। तो फिर लिखूंगा सॉलिड वायर, सॉलिड वायर समझ लो या कैसे भी समझ लो, थिक वायर समझ लो, जिसके अंदर भी करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है? तो उसके भी तीन पॉइंट होंगे, एक आउटसाइड और एक सरफेस के ऊपर और एक इनसाइड। तो यही है। तो देखो यहाँ पर एक होलो तुम्हें वायर दिख रही है, दिख रही है क्या? मैं इसको बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये येलो वाली वायर जो मैं बना रहा हूँ, दिख रही है सबको? इसी को एनलार्ज करके बना दिया। अभी करंट ये कैसी है, होलो, तो करंट अंदर होगा क्या इसके? नो सर, सिर्फ और सिर्फ इसकी कहाँ होगा, बाउंड्री पे, सिर्फ कैसे दिखेगा मेरे को? देखो मैंने तुम्हें बहुत बार ये व्यू का देखना बता रखा है कैसे देखते हैं। अगर मेरी वायर ऐसे गिवन है तो करंट ऐसे दिखेगा मेरे को। अब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मेरे को, अभी सपोज कर लो कि केशव कहता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा करंट कैसे है, ठीक है, बन जाएगी बन जाएगी। देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, अपने घर का सिलेंडर इमेजिन कर लो, एलपीजी सिलेंडर तो सबने देखा हुआ है ना, हालांकि वो एग्जैक्ट शेप नहीं है बट देखा हुआ है सबने, है ना? तो उसमें करंट जा रहा है, वो करंट जैसे भी पड़े, उस सिलेंडर को रख के ना केशव छत पे चला गया, नीचे रखा हुआ है ना बरामदे में सिलेंडर रखा हुआ, केशव छत पे चला गया, करंट उसमें फ्लो रहा है ऐसे, तो केशव को कैसे दिख रहा होगा करंट, कैसे आ रहा है उसके अंदर, कौन सी डायरेक्शन में, सोचो। सिर्फ ऊपर से देख रहा है वो, तो करंट कैसे दिख रहा होगा उसको भाई, ये है सिलेंडर, ये सिलेंडर दिख रहा है, दिख रहा है सबको? अब करंट इसमें ऐसे दौड़ रहा है, अब केशव क्या कह रहा है, मैं इस सिलेंडर को सीधा करके ऊपर जा रहा हूँ, सीधा खड़ा कर दिया इसको और ऊपर जा रहा, तो करंट कैसे दिखेगा इसको, अंदर की तरफ, देखो ध्यान से सोचो, ऐसे नहीं दिखेगा ऊपर आते हुए, ऐसे ही पड़ा होगा ना सिलेंडर, देखो नीचे, और छत से देखोगे इसको तो ऐसे नहीं दिखेगा ऊपर आते हुए करंट बाहर की तरफ, देखो ऐसे आते हुए, क्लियर है सबको? यस सर। हाँ तो अब इसमें, अब मेरे को वही पता है, सब कुछ वही है सर, मैं क्या करूंगा, जहां पर करंट निकलता हुआ दिख रहा है उसके अराउंड क्या बना दूंगा, एक एम्पीरियन
लूप और फिर उसके अंदर क्या लगा दूंगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सबसे पहले चेक करूंगा कि बी डी एल के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, अब ये देखने वाली बात है। अब बी कैसी होगी वो तुमको देखना है, डीएल के कैसे होगा, कैसे होगा सोचो, तुम खुद सोचो, परपेंडिकुलर देखने वाली बात है, सोचो पहले, दिमाग लगाओ फिर बोलना। इसको ऊपर से देखो, सपोज कर लो इसी सिलेंडर को, ये सिलेंडर था ना, इस सिलेंडर को मैं ऐसा ले आऊंगा, अगर कुछ हटा देते हैं, इसको और भी आसान बना देते हैं, एक सेकेंड दो मेरे को। देखो देखो, अगर मैं सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा देखूं सिर्फ, तो मेरे को कैसा दिखेगा, सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा देखूं तो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा मेरे को, सर्कुलर टाइप सर्कल दिखेगा। तो देखो क्या यही नहीं दिखेगा, सिर्फ ऊपर से देखो उसको, यही पार्ट दिखेगा ना। यस सर, इमेजिन कर लो ये पीछे पूरा क्या बन रहा है, इसके सिलेंडर बन रहा है, तो सेम सिर्फ तुम आगे वाला हिस्सा देख रहे हो, दिख रहा यस सर, है ना, तो तुम्हें सिर्फ ये हिस्सा दिखेगा सबको, राइट। अब मैं कह रहा हूं, अब जब ऐसे पड़ा था तो करंट जा रहा था ऐसे, ये करंट, ये सिलेंडर इमेजिन कर पा रहे हो ना, नीचे पूरा इसका वो है, यस सर, करंट जा रहा था ऊपर की तरफ, तो यहाँ से बाहर निकलेगा, कैसे कहता मैं ऊपर देखूंगा तो इसको ऊपर की तरफ दिखेगा, अब कैसे कहता मैं ऊपर क्यों जाऊं सर, मैं इसको आपके सामने ही देख लूंगा, सिलेंडर को ही रोटेट कर दो, पहले तो मैं ऊपर जा रहा था, मैं कहता हूँ सिलेंडर को ही क्या कर दो, रोटेट कर दो ऐसे, अब करंट कहाँ आ रहा होगा, सिलेंडर ऐसे है, बोलो हमारी तरफ को, हाँ तुम्हारी तरफ ऐसे करेंगे, समझ रहे हो, पीछे से करंट आ रहा है ऐसे सिलेंडर से, दिख रहा है सबको, यस सर, और अगर ऐसे देख रहा हूँ तो करंट कैसा आ रहा होगा, लेफ्ट, डायरेक्शन बताओ, ऐसे खड़ी हुए तो लेफ्ट साइड को, लेफ्ट आपकी, यहाँ इस साइड, राइट राइट, और अगर ऐसे हो तो यस सर, ऐसे आ रहा होगा सर, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है सर, तो करंट आ रहा है बाहर की तरफ, और मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, तो करंट आ रहा होगा इधर की तरफ मेरी तरफ, राइट, तो करंट आ रहा है मेरी तरफ, तो बी कैसा होगा, देखो हर पॉइंट पे क्या बोलते थे उसको, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, और इसके अराउंड अगर मैं एक लूप बना दूंगा, क्योंकि भाई अब ये वायर है मेरे पास सिलेंड्रिकल वायर है, क्या है सिलेंड्रिकल वायर है, इसकी वजह से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, इसके अंदर भी, इसके बाहर भी, और इसके सरफेस पे भी, अभी करंट कहाँ आ रहा है इसमें, मैंने ऐसे रखा हुआ है तो बाहर की तरफ मेरी तरफ आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको, करंट कैसा आ रहा है बाहर की तरफ, बाहर, ये करंट है, मतलब क्लियर है, ये करंट है, तो अगर यहाँ है तो करंट बाहर इधर आ रहा होगा, अब मेरी तरफ है तो करंट बाहर की तरफ आ रहा होगा, अब मेरे को करंट दिख गया, तो मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, सिर्फ यही वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ जो मैंने अभी स्पीकर का दिखाया, पीछे इसके सिलेंडर है, करंट कैसा आ रहा है बाहर, बाहर की तरफ, ठीक है, सिर्फ यही पोर्शन दिखाया हूँ। अब इसके अंदर दो पॉइंट बनेंगे सर, एक तो इस सिलेंडर के अंदर की बात कर रहा हूँ, और एक बाहर की, और एक अंदर, जब अंदर की, इस सिलेंडर, ये जो सिलेंडर बना है पूरा, इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर, कितनी है कैपिटल, समझ रहे हो, मतलब ये जो सिलेंडर मैंने बनाया है इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल कैपिटल आर। मैं अभी इसके अंदर की बात करूं या इसके बाहर की बात करूं, चलो अंदर की बात करते हैं पहले, करंट कहाँ जा रहा है, सिर्फ सिर्फ इसकी बाउंड्री पे जा रहा होगा, क्योंकि अभी ये सेल है, होलो है, अंदर से क्या है, होलो है, अंदर से क्या है, होलो, तो करंट इसके अंदर होगा क्या कुछ, नो सर, सिर्फ और बाउंड्री पे होगा। अब मेरे को पता है, अगर मेरे को पूछा इस सिलेंडर के अंदर की तरफ, अंदर मतलब कितने भी डिस्टेंस पे चलो, जो मान लो स्मॉल आर, इस पी पॉइंट पर क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे वहां पर गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, यहाँ पे एम्पिरियन लूप, कौन से पॉइंट पे बनाऊंगा, पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, ये स्मॉल आर है तो एक एम्पिरियन लूप बन जाएगा, कितनी रेडियस का, स्मॉल स्मॉल आर, क्लियर है क्या सबको,
Yes, मैंने क्या किया, जिस पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पर क्या बना दिया, एम्पीरियन लूप। और अब इस एम्पीरियन लूप पे क्या लगा दूंगा, एम्पीयर लॉ क्या होता है, अब बी और डीएल के बीच में एंगल बन रहा है जीरो। मैं बार बार बना चुका हूँ क्योंकि ये जो लूप मैंने बनाया है छोटा सा यहाँ एम्पीरियन लूप, उस पे हर पॉइंट पर डीएल की डायरेक्शन भी टेंजेंशियल है, मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है हर बार, सीधा ही जीरो लिख रहा हूँ, तो डॉट हट जाएगा, कोस जीरो वन होता है। और क्योंकि बी मैंने ऐसा चूज किया है कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, कॉन्स्टेंट, ताकि इसको इंटीग्रेशन से क्या ले लूं, बाहर, तो बी बाहर ले लिया, अंदर सिर्फ क्या रह गया, डीएल, डीएल, लेकिन म्यू नोट, आई क्या होता है, आई एनक्लोज्ड, और मैं अभी इस सर्कल के बाहर हूँ या अंदर की तरफ हूँ, अभी जो लूप बनाया सर्कल के बाहर बनाया या अंदर बनाया, अंदर बनाया, और ये तो होलो है, अंदर तो कोई करंट नहीं होगा, नहीं है, सारा करंट कहाँ है, सिर्फ बाउंड्री पे, अंदर तो कोई करंट है ही नहीं, तो आई अनक्लोज्ड कितना है, जीरो, तो आई अनक्लोज्ड की जगह क्या लिख दूं, जीरो, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, जीरो आ जाएगी। तो अगर एक सिलेंड्रिकल वायर ली मैंने, ये पूरा पूरा सिलेंडर बन रहा है पीछे से, सिलेंड्रिकल वायर लिया और इसके अंदर तुम कहीं पर भी चले जाओ, यहाँ 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 यहाँ, एज लॉन्ग एज सिलेंडर कैसा है, होलो, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, सिलेंडर कैसी है, होलो है, और इसके अंदर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, जीरो आएगी। क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। अगर अभी मैं कहूं कि ये जो पी पॉइंट है यहाँ ना लाई करके इसके कहाँ लाई कर रहा है, बाहर, 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 तो वो भी मान लो वो आर डैश डिस्टेंस है, तो अब जो लूप बनाऊंगा वो कहाँ बनाऊंगा, बाहर, बाहर बनाएंगे, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर डैश, आर डैश, तो उसके ऊपर भी यही लगाऊंगा, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट होगा, वही डीएल टेंजेंशियल सब कुछ लेके बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ डीएल, डीएल म्यू नॉट, आई एनक्लोज्ड कितना है, अब जो लूप बना है ना बच्चे वो कैसा बना है, इसके भी कहां बना है, ये पूरी सिलेंड्रिकल वायर है, इसके बाहर, बाहर बना है, इसके बाहर, समझ रहे हो मेरी उंगलियां देख पा रहे हो, यस सर, बाहर, तो अब इसके अंदर कितना करंट एनक्लोज होगा, ये जो बाहर वाला लूप मैं बना रहा हूँ, आई, पूरा आई, सारा का सारा ही अंदर हो गया, तो सारा का सारा कितना था, आई, तो इसकी वैल्यू भी क्या लिख दूं, आई एनक्लोज की जगह सिंपल आई, आई, आई रख देते हैं। तो अब डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर किसका लेंगे, कौन से का, इस वाले का लोगे या बाहर जो लूप बनाया उसका लोगे, बाहर वाले, याद रखना जैसे गॉस में डीए वेक्टर लेते थे किसका, गॉसियन सरफेस का, यहाँ पर डीएल डीए वेक्टर लेते थे गॉसियन सरफेस का, यहाँ पर डीएल किसका लोगे, एम्पीरियन लूप, और एम्पीरियन लूप को जब छोटे 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 टुकड़े को जोड़ोगे कितना आएगा, टू पाई आर डैश, आर डैश आएगा, क्योंकि आर नहीं आएगा, हमने कितना डिस्टेंस पे लिया है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r डैश, कोई r ले तो इसको r बोल देगा वरना r डैश बोल देगा, हमने अंदर वाले को r माना था इसलिए इसको r डैश बोल दिया, तो इसके बाहर, अब इसका मतलब क्या है, ये सिलेंडर के बाहर कहीं पर भी चले जाओ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r डैश, r डैश, r डैश क्या है सर, अगर तुम r आर डैश की जगह 5 मतलब इस सिलेंडर से 5 सेंटीमीटर दूर हो तो बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 5, अगर 10 सेंटीमीटर दूर हो तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई इंटू 10, अगर 15 सेंटीमीटर दूर हो तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 15। क्लियर है सबको? यस सर। इसके अब ध्यान सुनो, अगर ये सिलेंड्रिकल शेल है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, वाली वायर है, वायर अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बाहर कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बाहर सर वही है जो इनफाइनाइट वायर की होती है, यही होती है ना म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यस सर, अगर सरफेस की ही बात करूं, अंदर भी देख लिया बाहर भी देख लिया, सरफेस पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, कैपिटल आर हो जाएगा, हां स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, बस
कैपिटल आर के, कैपिटल आर के, तो आंसर क्या आ जाएगा? इनवर्ट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अंदर वैल्यू आई है 0 और सरफेस पे वैल्यू क्या आई है? म्यूनट आई अपॉन में 2 पाई आर, और आउटसाइड क्या आई है? म्यूनट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, स्मॉल आर डैश, हमने आर डैश लिया। तो इनसाइड वैल्यू 0 है, इसलिए अंदर की तरफ कोई ग्राफ में क्या आई है, कोई चेंज आया? देखो 0। सरफेस पे वैल्यू कितनी है? म्यूनोट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और जैसे जैसे आगे चलता जाऊंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? आर के। तो बिल्कुल जैसे स्फेरिकल शेल का ग्राफ बनता था, याद है? सेम इनसाइड कैसी है सर? देखो दोबारा देख लो, इनसाइड कैसी है सर? 0, उसके बाद कितनी आई है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। जो बाहर आई थी वो ये वैल्यू थी, यानी बी और आर आपस में कैसे हैं? इनवर्सली। तो बाहर तो ऐसा ग्राफ बनेगा, राइट? यस सर। तो 0 है और सरफेस पे मैक्सिमम होगा, तो आर क्या होगा यहाँ पर? सरफेस। तो सरफेस पे ये पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमम, और उससे आगे कैसा हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और सरफेस पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, कैपिटल आर, और यहाँ पर कितनी है आउटसाइड? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर डैश। क्लियर है? और यहाँ पर कितनी है इनसाइड? 0। आसान था, मुश्किल नहीं था। जो जिसने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है वो यहाँ कर लेगा। अब कैसे लगाना है, अब थोड़ा सा आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बस कैसे लगाना है थोड़ा बहुत समझ में आया? एम्पियर लॉ लाया था अभी, नहीं कर पाएंगे हम, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 7 मिनट है अभी। अरे फिर इसका ना अभी पूरा शेल का बताना पड़ेगा, फिर कई बच्चे भाग गए हैं, देख लो ना, जैसे टाइम लगता है तो 3 मिनट भी ऊपर होते हैं तो भाग जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अभी मैं सॉलिड जब करवा देंगे ना, अभी तो शेल कैसा लिया था? अभी तो हमने सिलेंड्रिकल वायर को कैसे लिया? अंदर से होलो। अभी कैसे ले लेंगे? भरा हुआ, मतलब इसके अंदर भी क्या होगा? करंट फ्लो करेगा, यहाँ भी फ्लो करेगा, अंदर भी, हर पॉइंट पे। हाँ, टाइम के पक्के। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। इसके भी हम अभी तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो भी मैं लाया हूँ, असली क्वेश्चन हम करेंगे एक्स्ट्रा क्लास। चलो, कल होगी? कल नहीं होगी, अभी एक्स्ट्रा क्लास तभी होगी जब ये सॉलिड का और ये स्फीयर का और एक सोलेनोइड का तीनों पार्ट खत्म हो जाएंगे। तो होलो का आज हो गया, सॉलिड और सोलेनोइड का हो जाए तो हम एम्पियर सर्किट लो पूरा, उसके बाद उसके क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, जिसको कोई डाउट है वो रुक जाओ, वरना कल बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय बाय। किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का? यस सर। आज के लेक्चर में देखो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, किसी को भी डाउट है वो रुक सकता है, मेरे पास अभी 5-7 मिनट है, तुम्हारे पास भी है, जिसने जाना है वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको डाउट है वो रुक जाए, वरना मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। यस सर। यस सर। सर। यस सर।